उसका नाम फकीर। कबीरा सोई पीर है के जो जाने, पर जितने बैठे हैं ये सारे लोग साहित्य संस्कृति को भी समझने वाले हैं। यहाँ पीर के कई मायने बदलते हुए निकलते हैं। आज इस पीर को समझने की जरूरत है, इस पीड़ा को समझने की जरूरत है। इसलिए मेरे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सोई पीर है के जो जाने, में हाँ यार फकीर
अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, अखिल भारतीय रामायण मेला हुआ था, यहाँ मानस मेला हुआ था। मेरे सदगुरु कबीर साहब से प्रभावित होकर के गोसाई तुलसीदास जी ने भी एक बात कही है। बात क्या निकल रही है कि जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। कलयुग है एक नाम अधारा, कुछ और नहीं कहिए, कर्म कांड ये वो फलाना ढिकाना कुछ नहीं कहिए। गोसाई जी कहते हैं कि कलयुग है एक नाम अधारा, और सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। यदि भव सागर पार होना है तो मेरे साहेब के नाव में बैठना पड़ेगा और इस तरह के नाम को जपना पड़ेगा। संत कहते हैं 800 साल पहले खुसरो मियां कहते हैं कि इश्क ही नैया इश्क ही दरिया, इश्क ही नैया इश्क ही दरिया, इश्क ही खेवन हार, और बिना इश्क के बेड़ा तोरा कभू ना हुई है पार। और मेरे सतगुरु कवि साहब कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरों और प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विश्व अमृत होए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। मेरे साहब ने तो प्यार प्रेम पर बहुत कुछ बातें कही है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे और शीश दे ले जाए। प्रेम नगर बगल में सोटा
मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी साधो। कुछ साधने की बात मेरे साहब ने कही है, वो कैसे? साहेब का घर दूर है कि जैसे पेड़ खजूर, साहेब का घर दूर है कि जैसे पेड़ खजूर, साहेब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, साहेब का घर दूर है के जैसे पेड़ खजूर। यदि चढ़ा तो जाका प्रेम रस, चढ़ा तो जाका प्रेम रस, ओ चढ़ा तो जाका प्रेम रस, चढ़ा तो जाका प्रेम रस, और गिरा तो चकना चूर है। साहेब लोग भी बैठे हुए हैं, साहेब आपको नजर कर रहा हूं, ये साथी